मेरा इंटरव्यू होगा और मेरा ना थोड़ा सा दिल धक 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 हो रहा है, क्या सवाल होंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। समझ से चला गया ट्रैक्टर में, मैं तो ट्रैक्टर में ही जाऊंगा, ट्रैक्टर में जाऊंगा नानी के, वो तो गया, अब ये रह गई आरती। अरे ये हमारी भाभी है, यहाँ हमारी मम्मी है, पापा है, ट्रैक्टर और पी जा रहा है इनको। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और आज खोल रहे हैं हम अपना व्रत, जो आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन खोल रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिन तो पता ही है, अब नवरात्रि के दिन तो हर कोई खोलेगा ही, तो यहाँ वहाँ शायद जाना हो सकता है, इसीलिए माता रानी की कृपा से इनका फास्ट सही तरीके से पूरा संपूर्ण हो चुका है। और संपूर्ण तरीके से मैं दोनों टाइम व्रत थी, ये भी बता दे हम आपको। और ये जा रहे हैं लेने के लिए, अब देखो कौन कौन आता है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, अब देखो तब तक इंतजार करेंगे हम। पूजा पूजा कर लिया, टीका टीका वगैरह मेरे भी लगा दो। ये रहा मेरी माता रानी का आसन, जो कि मैंने पाठ पूजा कर लिया है। ये कब से कह रहे हैं मेरे को तिलक करा दो, तिलक करा दो, लो पकड़ो ये अभी कराते हैं। जा रहा हूँ अपनी सिस्टर को लेने, भांजे को, मम्मी ने भेजा, भैया ऑर्डर दिया है, तो जरा संपूर्ण अच्छे तरीके से इनका व्रत पूरा हुआ है, माता रानी की कृपा बनी रहे। तो हमेशा ऐसे ही व्रत रहे हम, और हम हमेशा खुश रहे आसन। और तिलक लगाते हैं ना, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये और ये वाली उंगली यूज करते हैं, बीच वाली नहीं करते। ये रही मेरी प्यारी सी आरती की थाली, अब बना जा रहा है, यहाँ पर भोजन बन रहा है। कितनी बड़ी कढ़ाई है यहाँ पर, अब पता नहीं फोन में तो छोटी दिखती है, वैसे तो बहुत बड़ी है। और एक देखो चूल्हे का हमने उद्धार किया है ईंटों से, क्योंकि दूसरा चूल्हा छोटा था ना। हमारे हबी आ गए हैं लेकर, अब दिखाते हैं कौन आई है, पता है हमारी दी और समक्ष, और यहाँ पर है मौसी जी। आज मौसी जी खाकर जाना पड़ेगा जी, बिल्कुल हाँ, आज ऐसे नहीं जाने देंगे। हमने कहा आएंगी तो हमेशा बिना खाए जाती है, लेकिन आज तो खा के ही जाना पड़ेगा। हाँ, और ये है हमारे छोटे नेत्र, यहाँ पर हमारी नानी जी आ गई है। नानी आज खाकर जाना पड़ेगा, हम अभी से बता दे रहे हैं, नहीं तो देर में बनेगा ना, तो दोपहर का खाना खा के जाओगे। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है हाँ। और हमने आस पड़ोस सभी लोगों का यहाँ पर किया है, मतलब अटकना किया है, और प्रसाद खाने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर हम, हमारी मामी जी, और मामी जी बहुत उदास बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बाबरे सब्जी होने वाली है, और यहाँ पर हमारी दी जो कि बहुत ज्यादा शर्माती हैं, हमारे घर वाले आने वाले हैं, तो इंतजार करते हैं कौन कौन आएगा घर से। तो भाई हमारे घर के आ गए हैं मायके के, ये है आरती, अरे हेलो, ये है भूमि, और पीछे को है पता है ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो हमारी यहाँ पर भाभियाँ आई हैं, भैया पहली बार यहाँ पर दर्शन दिए हैं। ये है हमारी भाभी, मैंने सभी लोगों को बुलाया था, और कितने लोग आए, हर घर से एक एक तो आई गए ना। तो ये हमारी भाभी है, यहाँ हमारी मम्मी है, पापा है, ट्रैक्टर, और पीछे को पता है डल्लभ लेके आए हैं। और डल्लभ अगर वैसे बोले तो क्या, लाहड़ो, लाहड़ो, हाँ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, थोड़ा जानती नहीं हूँ ना मैं इतना। तो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे ना बैल, बैलगाड़ी, लेकिन ट्रैक्टर के पीछे है वो। अगर आप नहीं जानते ना तो हम आपको दिखाते हैं, मतलब आजकल पता है कम, वैसे बहुत कम यूज करते हैं इसका, डल्लभ का, हम तो वही डल्लभ बोलते हैं इसे। ये रहा ट्रैक्टर, और नहीं जानते तो ये रहा डल्लभ। चलो फिर चलते हैं, बैठते हैं उनके पास सब्जी के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए, मैं बहुत खुश हुई। अब सब कुछ बन गया है, और हम लगाने जा रहे हैं भोग माता रानी को। ये रहा चना, जो कि चना और हलवा सबसे प्रिय है, और ये है ऐश का, माता रानी को खुश कर देंगे। कन्याएं और एक भैरव के रूप में बिठाया जाता है। ये रहा कन्ना, जो कि हमारे नेत्र बनेंगे भैरव।
बांटेंगी पूड़ियाँ और जो भी प्रसाद है हलवा वगैरह जो काम होता है यहाँ पर समापन, क्योंकि काम करने वाले यहाँ पर बहुत है हमारे आस पड़ोस। खोल दिया है और पता है आज सबसे स्पेशल डे है मेरे लिए, खासकर नवरात्रि का भी अवसर है और साथ में हमारे साथ में है राणा न्यूज नेटवर्क से रुस्तम सिंह राणा, जो कि आप देख चुके होंगे, आपने कई बार देखा होगा और मेरा इंटरव्यू होगा और मेरा ना थोड़ा सा दिल धक 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 हो रहा है, क्या सवाल होंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। मैं थोड़ी सी उत्सुक भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ, तो चलो ठीक है, अब इनके इनके चैनल में कभी भी आ सकती है, कल आ सकती है, परसों भी आ सकती है, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू देखना ठीक है, मैं कैसा दूंगी। और आप एकदम हंस रहे हैं, क्या पूछोगे। सबसे बड़ी बात पता है जो कि हमारे समाज की बात ऊपर लेकर आते हैं, जो भी समाचार है मतलब हमें दिखाते हैं क्या चल रहा है। अलका जी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज ये वीडियो अभी हम डालेंगे थोड़े एक दो दिन में, जैसे ही वीडियो आएगी प्लीज इस वीडियो को हमारी शेयर करना और आप मजेदार रहेगा ये इंटरव्यू हमारा और वो आपको देखने में बड़ा ही मजा आएगा। क्योंकि मैं कॉमेडियन हूं ना थोड़ी। चलो फिर ठीक है, इंटरव्यू दे लूं, आप इसमें मजे मत लो, यार पकड़ के देख लूं मैं। यस यस। तो मैं हूं अलका, चलो फिर ठीक है, इसी में इंटरव्यू दे लूं। तो इंटरव्यू तो भाई हमारा कंप्लीट हो गया, अब बिना प्रसाद खाए कहाँ जाने देंगे हैं इनको। तो ये रहा प्रसाद और आप भी खा लीजिए, आपने नहीं खाया है तो अब आप ये मत कहना कि बुलाया नहीं। मुझे भी नहीं पता था मैं आज कर दूंगी, मैंने सोचा था कल करूंगी, फिर मैंने सोचा यहाँ वहाँ बुलावा आ रहा है तो वहाँ पे क्यों चूके हम जाने से। चलो फिर खाइए, आप शर्माइएगा मत, अभी भोजन भी ग्रहण करोगे। भोजन ग्रहण करके तो जान ही रहे, चलो फिर ठीक है, आते रहना। अब यहाँ पर भोजन ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पर हमारी मौसी जी खा रही हैं प्रसाद और यहाँ पर हमारी नानी जी हैं। तो फिर कैसा बना है प्रसाद? बढ़िया। ये है हमारे देवर, देवर। और यहाँ पर हमारे हबीबी बैठ गए खाने के लिए। चलो चलो चलो, ये हमारी दी दी नमस्ते नमस्ते। चलो भैया मम्मी नमस्ते, अब सब लोग जाने लग गए हैं, अब लग रहा है बहुत ज्यादा बुरा। नमस्ते। चलो भाई अब जाने लग गए पापा। हाँ बाय बाय, ठीक है भौजी बाय। देखो ये कैसे बैठ के जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है इनको। आप पहली बार यहाँ की बच्चियाँ देख रही है डल्लभ को, तो कैसे बैठ के जा रही है पता है? ऐसे पहले हम ना मेला देखने के लिए जाते थे ऐसे बैठकर, इतना मजा आता था। वो दिन क्या थे ना डल्लभ। हम कब जाएंगे भैया, हमें भी अब निकाल दो घर से। अब लो पता चलो, ये सबसे जल्दी जाने के लिए कह रही थी, लो रह गई। कैसा लगा आपको? ये देखो जाते समय ट्रैक्टर में बैठ के गई, आते समय टुक टुक में आ रही है, बहुत तेज यहाँ की बच्चियाँ है। समक से चला गया ट्रैक्टर में, मैं तो ट्रैक्टर में ही जाऊंगा, ट्रैक्टर में जाऊंगा नानी के, वो तो गया, अब ये रह गई, अब बाइक लेके आओ। बाय बाय। तो ना गाओ।